नहीं मदर। तुझे मुबारक हो बेटा, तुम्हारे बाप और भाई ईद की बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो तुझे ईद मुबारक हो बेटा। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और ब्रादराने मुहतरिम हर साल ये तकलीफ फरमाते हैं, शुक्रिया। जीती रहो बेटा। आंखें नींदों के खजाने हैं, दौलत के पैमाने हैं, ज़ुल्फ़ें रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, ज़ुल्फ़ें रातों की जवानी, ज़ुल्फ़ें रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद कर आए, होंठों पे भंवरा मंडलाए, माथे पे चांद कर आए, होंठों पे भंवरा मंडलाए, मुखड़ा फूलों की कहानी, मुखड़ा फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने कहे फिर मिलके, सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने कहे फिर मिलके, पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है, चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है, बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी। मासूम बच्चे की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है, और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी? Thank you.
अपनी आंखें खोले सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमन व अमान की जिंदगी से उकता कर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो माँ बदौलत इस बदमनी का सबब पूछते हैं। इसका सबब गुला आ रहा हुआ एक कौल है जहां पना, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही? तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पनाह और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सदके उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबले आलम। वो जू जू जवान होती गई, मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया, और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों ना कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरजू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत हो आलीजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा, और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां पना, पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता। रूही जू जू जवान होती गई, मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। ऐ राजपूत, तुम्हें साहिब करां का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीजगी और अजमत का? माँ बदौलत तुम जैसे जानिसार को मसाहिब खास बनने का शर्त बख्शते हैं और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाफिजा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम। रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रहे हैं, और ये मशहूर है कि रूही के पास नहायत खतरनाक हुस्न है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। हिंदुस्तान साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। तस्लीम ताजदार हिंद। तस्लीम बानो हिंद।
ताज दर हिंद आज कुछ परेशान नजर आते हैं। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज? सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। पांच पांच मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी है। क्या ये वही रूही है जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बन कर फिजा में गूंज रहे हैं? हाँ, ये वही दोशीजा है। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुरान बहिश से ज्यादा मुनव्वर और पाकीजा है। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते हैं। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती है। बेचारी मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हजूर सुल्तान रूह को अपनी हिफाजत में ले लें और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाएं। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुभाने की मर्जी से बगावत करे? मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किलाए मोहल्ला में बुलवा लिया जाए। आलिशान मलिका, वो आफत यहाँ न बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाजनी कहीं आए बानवे हिंद आपके और साहिब करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाएं। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख कनीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगेबान पाकीजा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहनशाह हिंदुस्तान का मिजाज छिछोरा है। तूने मुमताज उज़्ज़मानी और शाहजहां की गैर फानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़्ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। शाताओं को कि वो उसे इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। दिल के हाथ
दाम छुड़ाकर हम की नजरों से नजरें बचाकर दिल के हाथों से दाम छुड़ाकर हम की नजरों से नजरें बचाकर उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना हाय हाय ये जालिम ज़माना कोई मेरी ये रुदाद देखे ये मोहब्बत की बेदाद देखे कोई मेरी ये रुदाद देखे ये मोहब्बत की बेदाद देखे फुक रहा है जिगर पड़ रहा है मगर मुस्कुराना हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना बाजी मलिका मेरी अच्छी बाजी जानबूझकर खतरे ना बढ़ाओ भली चंगी तकदीर को बिगड़ने का मौका ना दो रूही का गुस्ताख हुस्न हुजूर साहब पर आके इत्मीनान में खलल डाल देगा मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा निकाल दो इस खतरनाक दोशीजा को महल से निकाल दो बाजी मेरी भोली बहन हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ कुरान के इस्तकलाल का इम्तिहान बाजी मलिका बाज आ जाए बच्ची ये हम गई हो खूबी तुम ताजदार हिंद की राह तो बिरादर मोहतरम देखकर साहब कुरान की नजर शहूर वफादारी एक मुसलसल और अगर नसीब दुश्मना दिल फरेब होते हैं तो फरेब खाने के लिए मलिका आलिया मिढल गई है अब वो तड़पती है हम मुलाजा मुमताज बाजी राहत हुई तुम्हें देखकर तुम्हें यहीं ठहरना होगा ऐसा खतरनाक इम्तहान यह मुमताज उस जमान कोई मोजिजा करा के कदमों को डगमा मगर बेट डगमगा जाए जमीन का शौकत बना बाजी मलिका अब इसी पर मचल गए के दो जहां क्यों संभाले घबरा गए थे अपनी मुमताज को सेहत करा मुमताज की मुझे नहीं शाहजहां मुमताज के दरयाल था लेकिन काबिल में हूर उतर आए मोछा नहीं पड़ेगा अकबाजी पर ईमान है ये था कि मुमताज का रूही मुजरे को पेश साहब करा के हुजूर में माशा अलूर्ती का एक शाहकार है कुछ तलब कर वजह वो तो अंजाम पा के इस नाचीज की जिल वाला हो गई अजीज करो कि ये बल्कि साबित ये करना था कि इज्जत आबरू का निगे क्या तुम अपने खुश हो मलिका आलम तो हमें अफसोस है कि सल्तनत से चुन कर फरमाएंगे और ये माए तुम्हें किससे और कहां आएंगे ये हुसन ये रात को सुनाकर नींद से जगाएंगे आफिजा आज से हमसे भी तुम शान मलिका शुक्रिया की जरूरत है बिन मर्दान शिराजी वतन हिंदुस्तान में आन शाही मुलाकात रवा कल सुबह आप
आप यही आ कोई और जायबात और मशहूर चीजें क्या यहाँ कुतुब मीनार कौरव पांडव का लखनऊ की हापड़ के पापर कहते हैं किस है जो वो क्या पंद्रह या के जवानों के दिन नहीं आरी पर रूही आर की रूही क्या ये हिंदुस्तान के सरहद से ले जिसके एक हश बपालों में असीर है उस मस्ती दुहाई ने सुल्तान मुअज्जम की होता है कि हर उम्मीद रूही सिर्फ उस शख्स के हवाले की जान कर दिया जाए कि आम उम्मीदवार हाजिर हुजूर खुदा हुजूर मैं है कि उम्र चले आते हैं जैसे कि सारी दुनिया सिमट आई है जरा निगाहें तुझे एक सुल्तान अब्बार लो वो हुजूरी आज वक्त का सामने निकला है अदब बामुल सुल्तान मौत साहिब परान सानी से पहले कि उस और किसके जो एक ऐसा हॉल एक ऐसी दुनिया कि जिसमें रूह बे इख्तियार पुकार उठे जमीन अस जन्नत 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 इंसान के बस की बात नहीं है पता ही ना हो अल्लाह वो मुकद्दस जन्नत लो जहां पर समझ है नादान सिर्फ इम्तिहान है मुमकिन घर महबूब के लिए या फकीर वो पका कर आ गया दिल टूटे हुए हुए वो अपनी तमन टूटी जा रही है वो चल रह गए हैं हो गए हैं उनमें दान खाली हो गया मतलब ये है रूही कुछ नसीब हसीना अब तुझे मुबारक हो और गवार सबसे पहले जहाँ से जात लड़का बनाई जाएगी क्यों लड़की होकर महल से निकल सकती है रखते हो जाने वो मेरे मशहूर तो मैं ढल ढल कर दुनिया को मैं ही इस किस्से का आगाज हूँ मैंने और आज बनाने का दावा करता हूँ ऐ मोहब्बत तुम्हारे इरादे की दाद देते हैं की खातर वैसे ही जन्नत मोहित हम तुम्हारी आजमाइश गुलाम चा मेरी बेपनाह तक ईं जानी रूही हमारे पास ही तुम्हारा गवाह है अगर तुम अपने दावे को पूरा न कर तुम्हारे काम ना आएगा बस जाओ और किस्मत कसम रूही की तकदीर और इस खौफनाक टक्कर से मैं आज यकीन से कह सकती हूँ और उनकी ईमानदार तबीयत गवारिश उस होश रुपए ना कोई दम में हिंदुस्तान का शाह मैं वफादारी के जो जाए क्योंकि मैं हुजूर सुन कम वक्त जमीन पर गिर पड़ा ये कह तो हम एक गिर ही नहीं कि हजूर चली जा और फिर हमने तेरा कसूर तू बेवकूफ मेरे भोले मलिक के लिए खजाना दूर हो तो ज्वाला सिंह रूह जहां बना अपनी बूढ़ी छाती पर सदा रूही को परेशान हालत पली हुई मैं तुम्हारी ये दरख्वास्त रूही मां बदौलत के पास एक दीवाने शायर का इतने कौल के मुताबिक फैंदाबाद बारगाह अमीर अली ईसा बिन मर्दान पर हाजिर है ये बाराम इहतराम ऐ शिराजी मुहैया करने की खातिर कराना चाहते हैं मगर ये अजीम शान बेहतरीन कारीगर होने का सुब गुलाम का तखयल इतना जबरदस्त दुरुस्त है सकता है अगली हस्ती का सिर्फ वजह सिर्फ सके कि वो दुनिया दावा है कि मेरे मल का मौजमा बेहरत रह जाएगा मगर हाथ देखने का सबब तो बयान की और इश्तियाक खत्म हो जाएगा तो गुलाम को इस वक्त हम तुम्हें मजबूर फरमाएंगे तो अपने कमाल का बेहतरीन किसी अजनबी इंसान के हार माएंगे आजमाइश यूं ले जाए ताकि बहुत से कंगन जिनमें सिर्फ एक हुआ हो अरे अपने अपने हाथ बाहर माँ का हाथ पसंद आए ना दे और तरह किसी को भी मालूम ना हो
के खास निशान वाला तजवीज नहायत माकूल है। शीराजी, इसलिए माँ बदौलत ने यह फैसले की बजाय बहुत से इंतखाब कर लो। बकायाफे को परखने के लिए हाथ को पसंद करो और बाकी के बाद हम ये देख सकते और इससे तुम्हारे दावे को है। जिले सुभानी बयान करो, अब हो जाए तो आपशुदा हाथ गुलाम। तुम्हारी ये दरखास्त इंजानी तरे तो हम वादा कंगन पहनाए जाए। ले, तो ये खतरा मैं शीराजी हिंदुस्तान की दो खुशनसीब लड़कियों के हाथ में आजमाए का वो एक बेमिसाल। कंगन पहनाए जा चुके हैं, इंतजार करेंगे। शुक्रिया को जा से जा कहते हैं। आने का सबब आज की मुबारकबाद देने आई हूँ, कबूल फरमाए। जिसे नींद नहीं आती माँ बदौलत मुलाहिजा फरमाएंगे। तो चलते चलते मेरी जन्नत ये बनाइए फूलों से उजालूर के साथ का फलक इस हुस्न की दी है
तू चांद सितनाई है मोहब्बत नगमे तो कलियों की हशबनम की जबाना और कैफ तर कुछ जागे हो जन्नत ये बनारे केलिया कराए नगमों की घटा रंगत की कहानी ये जुआनी बेसुम इशासुम इशा कुव्वता इल्ला बिल्लाहि लली तुमने मां बदल कर दिया और हमारा किसी ख्याली जन्नत से न थी खराबा वो घर मकसूद था गुस्ताखी माफ हो जन्नत की तस्वीर नहीं फरमाई हो गए सुहेल मगर हमें एतराफ खुशहाल देखा रूही तुम्हारे हवाले कर दी जाए बेहतरीन सबूत खुदावंदी में पेश करने का कहता है कि यह रद्द हुई अगर तो साहिब करान का वादा तुम्हें जिल्ले सुभानी गुलाम ने सबूत माशाल्लाह ऐशी बानो हिंद को तुम्हारे फर्क ज्यादा था तह तुम्हारे निकाह में आने वाली खबर है गुस्ताखी है जवाब दो कि तुमने रूही का मुजलाफ मुजस्मा तराशने की जरूरत क्या क्या तुम नहीं जानते थे? तुम इनाम के नहीं हो जहां बना इससे बेहतर शक्ल में पेश नहीं हाल से बनाया गया था शिराजी दुनिया का अजीब गरीब सिर्फ हाथ देखकर सर से पांव तक तो नकल में तमीज करना दुश्वार दूसरे मुल्क के बाशिंदे ना होते शहनशाह का आता आप किस कदर खौफ अपनी पहली और तुम शाही मेहमान हो कि यहाँ आज तक किसी मेहमान का वकार को तुम्हारे मुआफ फरमाते हैं आने पाए हम करता है दिल अबरे दो गया मुरा उसन की दे करे दे चांद है कली घूम रही है तू भी हजाम है दिल है माँ खुशनु है आमो या सुनो
तेरा ले दे तेरा हार पी के खुशी में रे मोगा ऐ दिले ऐ जूं ऐ जूं। रूही और कौन कौन इस साथ? मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल बेकसूर हूँ। सहब करा को एक चक्कर में उनके दोनों वादों की लाज। कौन है वो गुस्ताख? सुल्तान ने महल में आराम करो। उठ चुकी है, ये लाजिम है लिया जाए। अपना कहलाएंगे तो। बस सर चल। तेरे हुजूर में मुजरा अर्ज है कि तेरे हसीन ख्वाब किस कदर खुशगवार होगी कि गर्दन में हमारे खून ढहराएंगी। क्यों जान का हाल भी बता दी न होती वो थी भला क्यों? ओ गुस्ताख कनीस, जान गए तेरी मकारियां। आया वो तू ही है जिसने तुम पर शुभा किया। वो तू बता कि तुझे क्या सजा? गवाह है, मुझे साफ करा के रही थी। मैं उस सांस नहीं जानती थी कि जो कांटा और मलका आलिया के दाम सजा में डाल दिया। औरत कैसी नजरों से? तखलिया आज ताजदारी हिंद का रुईद है कि सुल्तान जिससे रूही का बागी दिल हो अभी अभी हजूर बेशक मर चुके। तो फिर आली कदर ये है वजह जहाँ से वापसी कसी पर जानो दिल से फिदा है। कदम पर हमारे लिए फांसी रखे एक सूरत से बड़ी कीमत देकर भी अपना नामुमकिन तुम्हें बगावत होती। हजूर दाम कर लूंगी मुमताज के खिलाफ। खुदा के लिए जल्दी भागने आ रहा है बादशाह। इन दुनिया से छीन कर जहन्नुम में डाल। दांतों में जहर लिए तुझे डसने आजू कलाइयों में उस खतरे को रोक। एक कुदरत ने तुम्हें रहमत का फरिश्ते से जहाँ चाहो ले जाओ गई है जहाँ तुम्हारा रखा है। मौजूदा तौर पर तुम्हारे हकदार ही देती के हुजूर खुदा तुम्हारा मददगार। हल में वापस न भेजो सुहेल इसका बाल है कि चाहे रो जमीन का कामयाबी है। दौलत सल्तनत का जर्रीन तक शर्त सिफार हो जाओ। वजह मैं उसे मुहबसम है मुझे अपने अजीम शाह की ताकत है आसमानों को जुम्बिश। सुहेल तेरी एक मगर सुहेल का इरादा जिद्दी हूं मुगल सल्तनत। मगर तू रूही को क्यों ना कर सकूंगा वो शान हस्ती को जन्नत की सैर क्यों अपना हम ख्याल भी बना सकते। सुहेल खींची हुई है और किसी एक के फैसला फरमाए तो भी कम है। रात कहलाएगी अलहमदिश जमाना वो आंखों की जन्नत के बंधे हुए उसूल से टकराना या है। हमें अपने लिहाज हम तुम्हारी मोहब्बत से मटे और तुम्हारे इसलिए हो जाए। कोई लेगा मेरे सरताज? अब मुमताज का वक्त आ गया करने से पहले कुर्बानी तुमसे जुदा रहेंगे में हमारी गैबी इमदाद से अलग होते हैं। दो जिद्दी इंसान हस्तियां मुअज्जम और महे हैं मुगल जबर राजदार हिंद और हुकूमत का निजाम बिगड़ मुल्क में भदम नहीं फैल जाएगा। चुप साध लिया समझाया जाए उन्हें क़िबला सुल्तान मुअज्जम प्रजापति तखलिया सुल्तान ने एक दिन बादशाह के हुजूर में और खामोशी को सलामत रखी ये फरियाद है मलिक की बदनसीब रियाया कि वो तन्हाई हुजूर साहिब खान की वरना इल्तिजा है। ये जब फाका कशी तुम्हारी जिंदा उस मासूम बच्चे का याद करने वाला है बानो रियाया का अब तन्हाई तक लिया तुम्हारी ही जिंदगियां खतरे में पड़ गई शांति के लिए अपनी मशहूर तुम्हारा समझा जा रहा है दर्दनाक वाकये का सबब बकी हो जाएगी छोड़ दिया था आपकी आन उसकी शान फरमा रहे हैं गिरवी पड़ा है शाह फौजी ताकत बेकार होखले हो गए हैं ये अगर सुलझेगी तो सिर्फ चुन ले पस को और दूसरे से कि सुहेल और शिराजी बोल करती है
एक किसी गैरतमंद ही को पसंद ज्यादा गैरतमंद है। यकीन कर लें मुझे अपना हमदर्द समझता है, आपने किया तारीफ थी, नफरत करती हूँ, मेरा फैसला है। माफ कर दे जिसने। हाँ ये खास सवाल करने आई हूँ, हुस्न समझता हूँ और बस तू सांसों में तू। ए महब तो ये बता कि हरगिज नहीं। छोड़ दे सुहेल, मैं बिल्कुल गलत बनाई थी और मैं कर देने का वादा किया था ताकि सुल्तान के में होने वाला है, मुझे यकीन इंसाफ करेगा, खड़ी कर दी है और रहे हैं मुझे उनसे या मलिका आलिया को आज भी आदमा दाग बन जाएगी कि तेरी रूही का नूर कीड़े दौड़ते दिखाई देंगे। रूही बस कर, देख सकेगा मैं बदकर मैं नहीं रोकती बुलबुल फूल से। रूही वो तेरी लौंडी बनकर भीख मालों का खात्मा कर अपनी सुनहरी उम्मीदों का, वरना याद रख रूही मैं कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, अब ताजदार मेरा फर्ज हो गया। दिल गया उठ गया क्या करे क्या, दिल ही तो दिल ही उन्होंने क्या था हमने लाया था, ईद के फूल को सजा ईद के घर को सुभेदी हम जीए हम जीए जब
मालूम मुश्किल है मुश्किल मालूम मुश्किल आंसू आहें आंसू की आहें गया गया क्या करें क्या करें टूट गया दिल बिन अब्बास करमानी माने मौज़म हुजूर साहब हमेशा हमेशा के लिए दस्तबातून रूही पर मेरा किसारनामा लिख देता हूँ ताकि अब्बास करमानी सुहेल तुमने ये इकरारनामा सुल्तान आलम तुमने माँ बदौलत पर गुलाम किसी किस्म का माँ बदौलत तुम हरी मुबारक हो वो खुदा की फजल से वो दस्त बरदार हो गया है आ रहे बुलाओ हकीम साहब को बुलाओ मुमताज मुमताज हकीम किसी हकीम मुमताज ये जन्नत में नगमा से फरिश्तों ने पूरे हमें अकेला ही मैं इंतजार करूंगी क्योंकि आखिरी वक्त पर तो फरमाओ इतनी ही शानदार से जिंदगी में नजर हमारे मशहूर तुम्हारी वसीयत इंशाअल्लाह मरने से पहले कि अल्लाह ताला ताज खबर हमें चाहेगी कटेगी मन था ही कटे मालूम मातूम पे हंस हमें मालूम न था रोग बने मालूम नी रोग चाह बरे हमें छाया तारे नर में दे अब वो भी न रहे सीधी पड़े मालूम न सीधी मालूम बर भी हमें मौसमा की बेवक्त खुशगवार जिंदगी का खास उदासी छा गई है रंजो गम की तस्वीर कि अब चंद दिनों के लिए राजी की अमानत पर हुजूर सुल्तान इजाजत पाला है मासूम बच्ची की दिलजोई के लिए सारी दुनिया लुट गई सरनगुं हो गया मुमताज की आखिरी खुदा जो दुनिया है मोहब्बत मगर क्या आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सके राजी एक माहिर फन इंसान करेगा रोजाए ताज का नमूना बदर हो शिराजी अपने फन का शक करता है और जायबात में शुमार होगा शिराजी मुमतांदार हो मेरा मजाक एक ऐसी मिसाल रूए जमीन शाहजहां और इंशाल्लाह हो जाएगा हाजिर खिदमत हुआ है हमें ये भी पता बनाओ ये भी वो चीज नहीं थी शीरा और माहिर फन संतराशीन हो गया ने की बजाय एक संतरा करा के दुख भरे दिल और उस गम खान मल का मरहूमा की जुदा हकीकत है जब तक पर न रखी जाए रौजा ताज का नमूना जिसका शीश की तरह चकना चूर हो चुका ये तोहफा सुहेल ने दोनों जहां की दौलत दलील है माँ उसे अंदर बुला लो फौरन मैं किस सभा से मुझे दोनों जहां की बात चाहिए फरमाइए मेरी तो जान भी हाँ बेटा शीरा तेरी लाश पर रखनी पड़ेगी मलका यहाँ बना तो हुजूर बोझ रहेगा मेहमान उठाइए और मुझे जल्दी हो जा मेरी बच्ची तीर चलाते समय ढील और मलिका की खातिर ये
चिल्ला चढ़ा के तीर की जद में है। भी को मार डाला ज्वाला सिंह, साहेब करा की शान को बर्बाद कर, मरहूमा की ख्वाहिश को कुचुना दी जाए और उसे फांसी की ही सजा से रियायत बरती जाएगी। ये हमारे कुरान का हुक्म, इंसाफ सुल्तान, फांसी का हुक्म सादर फरमाने से तुमने रूही का कत्ल किस इरादे हाथ बेटी के खून में रंग दिए। और बादशाह से वफादाने के लिए शीराभानी और गुलाम, ये वफादारी मानत का खात्मा करके तुम्हारे जुर्म की सजा मौत। रूही की मौत, उफ, सबर के सुनाने से पहले तुम्हें मेरे सीने में भी उतर जाए। रूए गुल सायर ने दासी के पर नोश डाले, लुट गई जिंदगी या करीबन सुल्तान वालिया। आज आज मैंने शहंशाह के शिकर बन गया, निगाहें तलाश कर रही थी पानी के संग मरमर से बनाए जाने। यही है वो हसीन शाह, यही है वो हसीन खान, बुलाओ बुलाओ जिसका तसव्वुर हमारे तसीन यादगार को तराशा। खालिद सरजमीन हिंद को छोड़ मुल्क से चला गया, कोई काम के चला गया, रोक लो उसे फौरन। ये रोजा संग मशहूर मोहब्बत की दुनिया वालों को सुनाता में शाह बानो जगमगाता रहेगा। खातून तुमने का सबब न्याय हूँ, कितने पति की मौत के थी हमारा सहारा, हम भी है खात। जब आपका हो सकता है तो उसके, और अगर मन समझ कर इमदाद भी करें, मैं भीख मांगती हूँ सरदार ज्वाला सिंह के बारे और जीवन का आदर। कातिल के जिस वक्त के बहा दिया हो मुमताज, हम हमेशा हमें तुम्हारी टपका हुआ ये वो।
दुनिया के रुखसार पर फरियादी दरे दौलत। और इस मसरीब राजपूत नारी दुनिया में किसके सहारे है कि औरत हो या मर के बाद जिंदा नहीं रहता लाश। किसी दुखिया क्यों नहीं सुनते तो तुम्हें अपनी पति को आजाद कर दो राजा। वो बिल्कुल निर्दोष है, वो मेरी मांग का दाता। कहूँ बगैर किस मुस्तैक है? बिल्कुल सही सर। तो क्या बुनियाद सराहने के लिए मेरे बेटा रूही आओ। बंदिया रूही तुम है, ये क्या करिश्मा है, ये क्या राज? हुजूर सुल्तान के ज्वाला सिंह का तीर खाली गया तो फिर कौन हला? क्या नाम था उस सूरमा का? दाता बाज बेटे उतर गए थी बोली बहन को सुहागन कमान से निकले हुए तीर वो मरकर अमर वन्ना इलाही राजू आजाद हो गया है। उतनी ही खुशी उसे अंदर बुलाओ, तुम पर्दे में चली जाओ। बदनसीब मुसाफिर ये खता मेरी ना आज अपने अरमाज अल्लाह शीराजी का सहादगार बनाना चाहते थे। हमारी ये ख्वाहिश भी पूर्णता के रोजे का नमूने आगे बढ़ाओ के शाहजहां मैं गुनाहगार हो जाऊं। लाल नमूने को बनाकर बाबर की औलाद पर अजीमाए वहद की हमने यही थी हमारी मुमताज की आना बनाया है जिसका हमें इल्हाम एक छोटा सा कंगन नहीं का दूसरा हाथ आज तक सुल्तान मौसा हैरान क्यों होते हो भू? अपने बहन दुल्हन का हाथ परवरदिगार हमारे वादे की लाज रखा जब मलक बादशाह ने ताज बना ताज की तरह जगमग एक शहनशाह के ताज आंख से टपका हुआ 30 साल की मुद्दत में दुनिया का 7 राजमहल आगरे में शाह के लिए और अब वो आबाद ईरान वाले